यस हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, राइट? सो एंड आई होप कि आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम की हो गई होगी या रिवाइज कर रहे होंगे, राइट? सो एक्चुअली सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर इशू किया है, राइट? सो आपको पता है कि सैम्पल पेपर हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए? एक्चुअली सैम्पल पेपर सॉल्व करने से ना हमें आइडिया लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, राइट? सो वही ट्राई करेंगे हम लोग आज। आई होप कि आप पेन एंड पेपर साथ में रखेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे कि जो सैम्पल पेपर इशू करा गया है ना सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होगा जिसमें हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, राइट? उसमें कुछ असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो उसको सॉल्व करेंगे, राइट? है ना, तो वन बाय वन सॉल्व करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स जो होंगे ना जो डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ, ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, आप लास्ट तक जुड़े रहिए, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से है, राइट? सो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट, सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, एंड इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे, ठीक है, देन ए स्क्वायर इज, ऑप्शन हमें गिवन है, राइट? मैट्रिक्स ए डिफाइंड है, ऑर्डर इसका 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2x2 का ऑर्डर होगा, राइट? है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए स्क्वायर। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? सो क्या गिवन है यहां पे कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 है इसका, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स a11 a12 a21 एंड a22, यही तो होगा ना मैट्रिक्स, है ना? यहां पे आपको तो पता ही है कि ए आई जे लिखते हैं तो आई क्या बताता है? रो को, एंड जे क्या बताता है? कॉलम को, राइट? ये चीजें क्लियर है। अब देखो a11 यहां से आएंगे, ठीक है ना? a11 जब इक्वल होता है, यानी आई और जे इक्वल होता है, तो वैल्यू क्या है? 0 है, राइट? सो यहां पे क्या हो जाएगा, a11 का वैल्यू हो जाएगा 0, a22 अगेन आई और जे इक्वल है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? a12 इक्वल नहीं है तो 1, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं है तो 1। ये मिल गया हमारे पास ए मैट्रिक्स, राइट? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए स्क्वायर, है ना? यही तो फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स मिला है हमें 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करना सेम मैट्रिक्स से, ठीक है? 2x2 दोनों 2x2 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, पहले इस रो को लेंगे एंड इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस, अब इस 1 को इससे करेंगे तो 1 इंटू 1, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले को इससे करेंगे, तो 1 इंटू 0, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, 0 इंटू 1, ठीक है, राइट? अब हमारा नेक्स्ट होगा इसी को करेंगे इस वाले से, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 और फिर 1 इंटू 0, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, यही हो गया हमारे पास आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, यू विल गेट द आंसर। तो ये 0 0 1, सो हमारे पास क्या हो गया, ये 1, ये 0 0, तो 0 रहेगा, ये हमारे पास 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 एंड 1 1 हो गया। ऑब्वियसली इसका ऑर्डर 2x2 है, तो
तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, राइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बस हमें ये चीज़ ध्यान देना था और जो कंडीशन गिवन था ना उससे मैट्रिक्स फॉर्म करना था, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन, यस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ही सिंपल था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यस ये भी मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन है, ओके इस क्वेश्चन को समझते हैं। दिया है कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहां पे क्या गिवन है कि ए एंड जो भी हमारे पास ए एंड बी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, राइट। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसका इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड इन्वर्स कब फाइंड आउट करेंगे, जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, राइट। एंड इसी तरह से डिटरमिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो देने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये डिनोमिनेटर में जा सकता है, राइट। अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर, है ना, तो ये डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये चीज क्लियर है ना। तो यहां पे दे दिया कि ए एंड बी नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर में जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम फर्स्ट को चेक करें तो ए दिया हुआ है एंड बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स को लिख सकते हैं क्या, वन बाई बी, राइट, है ना। अब इसका फिर डिटरमिनेंट, तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग, डिटरमिनेंट ए बाय बी, यानी फर्स्ट तो सही है, हमें क्या चेक करना है, जो करेक्ट नहीं है, राइट। अब सेकेंड देखते हैं, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी है, वो भी चेक कर लेते हैं क्या वो सही है क्या, राइट। तो बी वाले में ए बी इनवर्स है, तो इसको भी लिख सकते हैं वन बाई ए बी, राइट, है ना। अब इसको भी लिख सकते हैं अलग अलग ए बी, दैट मीन्स ये भी सही है, ठीक है ना। चेक करते थर्ड, ये तो थर्ड आपको ध्यान आना चाहिए, प्रॉपर्टी है कि ए बी का इनवर्स लेते हैं तो ये क्या होता है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। अब अगर इसकी बात करें डी की, देखते हैं क्या ये सही है, अगर ए प्लस बी का इनवर्स है तो इसको क्या ले सकते हैं, वन अपॉन ए प्लस बी, है ना। दैट मीन्स यहां पे हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, जो डी होगा ये इनकरेक्ट होगा, राइट, यानी नॉट करेक्ट, यही तो हमें चेक करना था। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिसका यूज करके हमने यहां पे सॉल्व कर लिया, राइट, ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड आई होप कि आप ये सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो ये आ गया क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कभी भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिले ना, खासकर जब ऑब्जेक्टिव हो, तो आप ट्राई करो ना उसको एक्सिस पे प्लॉट करने का, राइट। अगर आप एक्सिस पे प्लॉट करोगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाता है, राइट। देखते हैं सॉल्व करके इसको, हमारे पास तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अभी एक बार ट्राई करते हैं प्लॉट करके। जैसे हमने बताया कि अगर आप एक बार प्लॉट करके चेक करोगे तो शायद कुछ मिले। चलो x एक्सिस ले लिया हमने और y एक्सिस ले लिया, ठीक है। चलो अब पॉइंट है माइनस थ्री कॉमा जीरो, दैट मीन्स यहां पे कोई होगा पॉइंट, उसके बाद क्या है थ्री कॉमा जीरो, सो यस थ्री कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा के। अब देखो जीरो कॉमा के पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें ये चीज नहीं दी गई है, है ना। तो जीरो कॉमा के यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है, राइट, है ना, हो सकता है ना। तो अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इन सब पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया गिवन है, राइट। इसका एरिया कितना गिवन है, 9 स्क्वायर यूनिट,
ठीक है ना, एरिया गिवन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू। बहुत सिंपल, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, राइट, होता है ना, बेस इंटू हाइट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है कितना, 9 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है, तो ये वाला, इधर देखो इधर 3 है और इधर 3 है, तो टोटल बेस कितना हो गया, 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है, ये के यूनिट है ना, तो के, इसको सॉल्व कर देते 2 3 6 एंड 3 3 9, तो के का वैल्यू क्या हो गया, 3। बट क्या के का एक ही वैल्यू होगा? अभी मैंने आपसे क्या बताया कि यहां पे भी हो सकता है पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी, तो दैट मीन्स यहां पे 0 -3 होगा और यहां पे क्या होगा, 0 3 होगा, है ना, क्लियर है ना। तो इस तरह से के का दो वैल्यू होगा, +-3। बट क्या यही अप्रोच है, ये तो ज्योमेट्रिकल जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, क्या और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड आप अगर एग्जाम में अप्लाई करोगे ना, ऐसा बहुत इजीली क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, तो देख लेते हैं उस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, अब देखो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए, 3 पॉइंट्स। अगर मान लो हमारे पास पॉइंट्स है, सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, राइट, एंड ये x3 y3 है, ठीक है। मान लो ये a है, b है एंड c है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 1/2 मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या लिखते हैं हम, x1 x2 x3, ठीक है, फिर y1 y2 y3, ओके, एंड देन 1 1 1, एंड ऑब्वियसली मॉडुलस, क्योंकि अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉडुलस क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। अब देखो यहां पे आपको सारी चीजें दी हुई हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 9, 1/2 मॉडुलस। अब सारा चीज रख दो यहां पे, x1 क्या है, -3, x2 क्या है, 3, एंड देन 0, ठीक है। उसके बाद y का 0 0 एंड k, एंड देन 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते तो क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का 2 एलिमेंट 0 हो जाए, ताकि सॉल्व करना सिंपल हो जाए, राइट। तो यहां पे क्या है हमारे पास, देखो ना, इसके लॉन्ग अगर एक्सपेंड करते हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस रो को और इस कॉलम को छुपाना होगा या ढकना होगा, राइट। तो क्या करेंगे, 9 = 1/2 मॉड, अगर के के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो देखो इसका कौन सा है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स यहां पे नेगेटिव लेना होगा, है ना। उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो -3 × 1 -3 एंड 1 × 3 -3, राइट, ठीक है यहां तक, ओके। अब क्या होगा कि 9 है हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और k, यानी 6k का मॉड, 6 बार कर सकते हैं, मॉड k में लगा सकते हैं, ठीक है ना, 2 3 6 एंड 3 3 9, मॉड k का वैल्यू आ गया 3, राइट। अब हमें पता है कि अब यहां पे k का 3 रखोगे तब भी 3 आना है, -3 रखोगे तब भी 3 आना है, दैट मीन्स यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-3। ऑलवेज आप एक चीज ध्यान रख लो कि कभी भी आपको कोई चीज मॉड में दिया हुआ है, राइट, दैट मीन्स अगर मान लो आपको मॉड कुछ भी दिया हुआ है, मॉड मान लो fx दिया हुआ है इज इक्वल टू k है ना, इसका मतलब क्या है कि fx इज इक्वल टू +-k हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो यस, आप देखो
इससे भी चल सकते हो या इससे भी चल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें कम टाइम लगे वो करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स बाई मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज। कोई फंक्शन है जो कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू क्या होगा? कंटिन्यूअस होने का मतलब अगर ग्राफिकली बात करें तो कहीं पे भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट, है ना, कहीं पे भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर थ्योरेटिकल बात करें तो कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और उस पॉइंट पे उस वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर हो। कहने का मतलब अगर ये कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पे, दैट मीन्स इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए? तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 0 पे, तो क्या हो जाएगा? एफ 0, ठीक है। यही चीज हमें करना है इसमें, बट यहां पे कुछ और एडिशनल चीज दिया हुआ है आपको, मॉडुलस दिया हुआ है। एंड एक बार मॉडुलस की प्रॉपर्टी बता दें तो क्या होता है कि मॉड एक्स का वैल्यू एक्स कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। एंड ऑब्वियसली इसका वैल्यू 0 होगा जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे अप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। चलो, तो एफ एक्स है इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, और यहां पे क्या लिमिट दे रखा है आपको? एक्स लेस देन 0, यानी 0 से कम है। जब एक्स लेस देन 0 होता है तो मॉड एक्स क्या हो जाता है? माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, राइट। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बच गया माइनस के। कब? जब एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है। उसके बाद 3, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, राइट ना। अब हमें यहां पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, दैट मीन्स 0 माइनस। सो अगर एल एच एल यहां पे निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, राइट। अब यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स क्या आएगा? 0 माइनस, मतलब पॉइंट अगर यहां पे 0 है तो 0 माइनस मतलब क्या हुआ? इधर 0 से और थोड़ा सा कम, राइट। तो हम कहां जा रहे हैं? लेफ्ट साइड, है ना। तो 0 माइनस मतलब इस वाले लिमिट में आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस के, और इसका वैल्यू क्या हो गया? माइनस के हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? आर एच एल फाइंड आउट करना है, राइट। आर एच एल क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस के लिए क्या होगा? यहां पे आ जाते हैं। 0 प्लस मतलब क्या होगा? 0 से थोड़ा सा ज्यादा, राइट, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या आ गया? राइट साइड आ गए, उस साइड चले गए, तो उस साइड मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, यानी इस वाले लिमिट में आ रहे हैं हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3, एंड इसका वैल्यू हो क्या? 3। अब अगर आप यहां पे एफ 0 भी अगर फाइंड आउट करोगे तब भी क्या मिलेगा? क्योंकि इसी में आएगा 3, राइट। अब x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब ये तीनों इक्वल हो। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा इसके, तो क्या जाएगा? माइनस के इज इक्वल टू 3,
दैट मीन्स यहाँ से k का वैल्यू आपको क्या मिला, k का वैल्यू क्या हो गया माइनस 3, दैट मीन्स ए ऑप्शन है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट इतना टाइम नहीं लगेगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन लें? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर से क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, द लाइंस आर इज इक्वल टू दिस वन एंड आर इज इक्वल टू दिस वन, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। ऑप्शन से कॉन्सिडेंट लाइन है, स्क्यू लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से, या पैरेलल लाइन से। अगर आपको लाइन का वेक्टर इक्वेशन पता हो, एंड आई होप कि आपको जरूर पता होगा, सो वेक्टर इक्वेशन जो होता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी। एंड यहां पे ए क्या होता है, यस ए क्या होता है, ए होता है पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां से ये लाइन पास करता हो। सो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी का मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जो लाइन ए से पास कर रहा है, ठीक है, ए से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू बी, ये बी के पैरेलल है, राइट। ऐसे ही लाइन दिया हुआ है क्या दूसरा, दोनों लाइन देखते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास आर बराबर ए वन ले लेते हैं प्लस लैम्डा बी वन, इसी तरह से सेकेंड है आर बराबर ए टू प्लस लैम्डा, यहां पे म्यू है ना, म्यू बी टू है ना। अब हमें चेक करना है कि लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, किस तरह के लाइंस हैं। अगर आप देखोगे ना इन दोनों वेक्टर, देखो ये तो पता चल गया कि इससे पास कर रहा है, राइट, तो पास तो कहीं से हो सकता है। मेनली आपको देखना होगा ये दोनों, अगर आप यहां पे देख रहे हो ना बी वन, सो बी वन क्या है हमारे पास, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड माइनस सिक्स के कैप, राइट। एंड इसी तरह से बी टू क्या हो रहा है, सिक्स आई कैप प्लस नाइन जे कैप माइनस 18 के कैप, राइट। अब इन दोनों वेक्टर को चेक करना है कि क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो अगर देखोगे इस b वाले वेक्टर में 3 कॉमन है, राइट। अगर हम यहां पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप एंड माइनस 6 k कैप है ना। ये क्या आ रहा है, 3, और देखो ना ये वाला कौन सा वेक्टर आ गया, वेक्टर b1। मतलब यहां पे हमें क्या मिल रहा है कि b2 जो वेक्टर है 3 टाइम्स b1 के बराबर है। अगर ऐसा कहीं रिलेशन आता है, इसका मतलब क्या है कि b1 एंड b2 पैरेलल है, b1 एंड b2 आर पैरेलल, और ये दो पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारे पास ये जो लाइन दे रखे दोनों, दोनों क्या है आपस में, यस पैरेलल है, समझ में आ गया होगा ना, है ना। अगर परपेंडिकुलर का देखते हो तो बी वन डॉट बी टू क्या होता है, जीरो आना चाहिए था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ओके सो डिग्री, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, क्या 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 होता है, एक तो डिग्री और उसका ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहले ना देखते हैं, अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब अगर मान लो कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है,
तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाता है, वन। अगर दो बार करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहां पे ऑर्डर क्या हो गया, टू हो गया। थ्री बार करेंगे तो थ्री हो गया, राइट। बट यहां पे पूछ क्या रहा हमें, डिग्री। तो डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना उस पे चेक कर लेंगे कितना पावर है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री पे जो पावर होगा वही उसका, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। तो यहां पे देख लेते ना, चलो यहां पे क्या है हमारे पास, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर क्या है, वन, और इसका ऑर्डर क्या है, टू। तो जिसका ऑर्डर कम है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, जिसका ज्यादा ऑर्डर है तो इसका ज्यादा ऑर्डर है। अब चेक करें कि इस पे कितना पावर है, टू है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। अब कभी ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे, घुमा कर दे दे, कैसे दे दे कि यहां पर कर देता थ्री बाई टू और यहां पर कुछ नहीं देता। अब आप जल्दी जल्दी में आओगे और कर लोगे वन, यहां पे वन है तो यहां पे अब डिग्री हो गया वन, जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि यहां फ्रैक्शन में है, है ना। तो फ्रैक्शन में तो पहले इसको ट्राई करेंगे हम इंटीजर में बनाने का, तो ये दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये टू चला जाएगा उधर। तो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम एलपीपी, क्या क्वेश्चन कह रहा है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ बाउंडेड फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय ए सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर 0, 3, 1, 1, 3, 0। लेट पी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई वेयर पी एंड क्यू आर ग्रेटर देन 0। The condition on P and Q so that the minimum of Z occurs at 3, 0 and 1, 1. Question क्या कह रहा है कि जब आप problem solve करते हो ना LPP का graph का, graph से solve करते हो, तो यहां पे तीन corner point आ रहा है, कहां कहां पे, तो देखो कहां कहां पे point आ रहा है हमारे पास, तो एक है 0, 3 पे, उसके बाद 1, 1, दैट मीन्स यहां कहीं होगा, उसके बाद 3, 0 पे, राइट, 3, 0 पे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करें तो यही कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, यानी ऐसा कुछ होगा। अब इधर है नहीं पता है, किधर शेडेड रीजन है, इधर या इधर है, ये चीज हमें अभी नहीं पता है, बट क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि यही तीनों कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। अब हमारे पास क्या है कि Z दिया हुआ है, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0। अब Z दिया हुआ है हमारे पास कितना, PX प्लस QY, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 3, 0 एंड 1, 1, 3, 0 और 1, 1 पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो 3, 0 पे चेक करते हैं एक बार, अगर 3, 0 पॉइंट यूज करेंगे तो Z मिनिमम क्या आएगा, 3, 0 पे 3P एंड प्लस, यहां तो 0 रखेंगे तो 0 हो गया, दैट मीन्स ये 3P आ गया। इसी तरह से 1, 1 पे अगर चेक करेंगे तो क्या आएगा, Z मिनिमम 1 रखेंगे तो P प्लस Q, और इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट पे मिनिमम, अगर मिनिमम है तो मिनिमम एक ही वैल्यू होगा ना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू इस दो पॉइंट पे, दैट मीन्स मिनिमम तो एक ही वैल्यू होगा, है ना। तो क्या होगा, अगर मिनिमम एक ही वैल्यू तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, देखते हैं कुछ रिलेशन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
थ्री पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू के, यहां से ये पी इधर जाएगा तो टू पी बराबर क्यू, क्या रिलेशन है कोई, हाँ इसको अगर p बराबर लिख सकते हैं क्या, q बाई टू, सो ये ऑप्शन मिल रहा है जो कि ऑप्शन b है, ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, यस वेक्टर क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई, then vector EA plus vector EB plus vector EC plus vector ED equal to, options आपको दिए हुए हैं, जैसे बताया था कि 2D के questions हो तो try करो plot करने का, वैसे ही vector है ना, plot करना है, rhombus है, ABCD rhombus है, तो पहले rhombus एक बना लेते हैं, rhombus opposite side parallel and all side equal, right, तो ए बी सी एंड डी, इसके डायगोनल्स पता हो आपको, तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो कि दिया हुआ है यहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई, और बाइसेक्ट भी करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, तो ये सारी चीजें ना वेक्टर में यूज अप्लाई होती हैं, है ना, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ई ए, ई ए वेक्टर में ना डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन अगर मान लो हम ए बी लिखते हैं, दैट मींस ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, लेकिन अगर इसको अपोजिट कर दें, अगर मान लो हम बी ए लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी, है ना, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, चलो तब ई ए, ई ए का मतलब क्या हुआ, ई से ए की तरफ जा रहे हैं, इधर ई बी दैट मीन्स इधर जा रहे हैं, ई सी मतलब ई से दूर जा रहे हैं सी की तरफ, ई डी तो ई से डी, अब इन सब का सम करना है, यहीं पे क्वेश्चन बन गया, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, देखो यहां पे क्या रहा है कि ई ए एंड ई सी इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ई ए और ई सी दोनों इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई ए एंड ई सी, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन तो एक दूसरे को नल कर देगा, जीरो, इसी तरह से ई बी, ई बी इधर जा रहा है एंड ई डी इधर जा रहा है, अपोजिट बट इक्वल, तो एक दूसरे को अगेन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, जीरो वेक्टर, दैट मींस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है ना, तो सबसे पहले वैक्टर के क्वेश्चन में क्या जरूरी है, प्लॉट करना, है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फॉर एनी इंटीजर एन द वैल्यू ऑफ माइनस पाई टू पाई ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यू टू एन प्लस वन एक्स डीएक्स, पहले तो क्वेश्चन देखोगे तो ये चीज देखने पे ना लगता है कि अरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड है भी तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो एक चीज ध्यान रखो, मैं बताता हूं आपको, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना जिसमें माइनस ए टू ए हो, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इक्वल हो बट अपोजिट साइन हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो यहां पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, सबसे पहले आप चेक करो कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, एंड आई होप कि आपको पता होगा ऑड कब होता है, ऑड फंक्शन कब होता है, जब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, और इवन कब होता है जी, इवन, इवन कब होता है, जब f माइनस एक्स एफ एक्स के
बराबर आ जाए, ठीक है। यही चीज चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। यहां पे अगर आपने ये चीज चेक कर लिया तो आंसर आपके पास है। अगर ऑड फंक्शन आ रहा है, राइट, अगर ऑड फंक्शन आ रहा है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जीरो इवन आ जाए, तो इवन आ जाएगा उस केस में इसका वैल्यू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर इवन आ गया ना तो आपको फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बट चेक करते कि क्या ये ऑड या इवन है। तो सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स यहां पे क्या दिया हुआ है, e टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब टू एन प्लस वन एक्स। सबसे पहले क्या काम बताया था हमने, f माइनस एक्स फाइंड आउट करेंगे। सो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर कॉस स्क्वायर माइनस एक्स एंड साइन क्यूब टू एन प्लस वन माइनस एक्स। ओके, अब क्या करेगी, तो एक चीज पता होगा आपको, अगर साइन माइनस थीटा होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एंड अगर कॉस माइनस थीटा हो तो क्या होता है, कॉस थीटा। अप्लाई करो, ये हो गया, कर लेते हैं अप्लाई। हो माइनस एक्स, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन माइनस थीटा, और माइनस पे भी क्या है, क्यूब पावर है, तो माइनस को माइनस में ही रहने देगा। तो माइनस लगा लेते हैं यहां पे और क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टू एन प्लस वन एक्स। अब आप देखोगे फंक्शन तो क्या ये क्या है, सेम है एफ एक्स। दैट मीन्स यहां पे क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये आता है तो क्या होता है, फंक्शन ऑड हो जाता है, और ऑड आ जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो इज हीरो, राइट, समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11, 10 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए गिवन है हमें जो कि 3x3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट का कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करने लगते हैं। नो डाउट एक्सपेंड करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट अगर इस मैट्रिक्स को आप देखोगे ना तो इसमें कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन छुपा हुआ है इसमें। क्या छुपा है, आपको वही फाइंड आउट करना है। ये तो अगर मान लो इसको बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए वन वन होता है और ये टू वन होता है ना, सॉरी वन टू होता है और ये वन थ्री होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पे ना, यहां पे देखो एक बार, यहां पे चेक करेंगे ये 2x माइनस वन, अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये भी सेम आ जा रहा है। सिमिलरली ये रूट एक्स है तो यहां पे माइनस रूट एक्स है, यानी यहां और यहां सेम है, बट क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा नेगेटिव लग रहा है। अगर इसको अब्सॉर्ब करें तो क्या हो रहा है कि ए आई जे किसके बराबर हो रहा है, माइनस ऑफ ए जे आई। और ये कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स में आ रहा है दैट मींस वो जो मैट्रिक्स होगा किस तरह का मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस तरह का मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और एक बार पता चल गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो ऑलवेज। अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो यहां पे सॉल्व एक्सपेंड ही नहीं करना पड़ा, केवल प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर दिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. द फीजिबल रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लीनियर कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बिलो. तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, एंड ये हमारा सेडेड रीजन है. बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इसमें से कौन सा कॉन्स्टेंट नहीं होगा. तो डेफिनेटली इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा. एक मैं ग्राफ आपको प्लॉट करके बताता हूं कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं. एक्चुअली जैसे मान लो कि x प्लस वाई, ये इसी में से ले लेते कोई, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. सबसे पहले हम बाउंड्री लाइन को प्लॉट करते हैं, है ना. तो बाउंड्री लाइन कैसे प्लॉट होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है तो हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट मिनिमम, क्योंकि एक पॉइंट से तो इनफिनिट लाइन जा सकते हैं, तो 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए ही चाहिए. तो निकालते हैं 2 पॉइंट, टेबल बनाते हैं, एक में x, एक में y. जब x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 2, और जब y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2. ये 0 क्यों रख रहे हैं, 0 रखना इसलिए सिंपल होता है ना कि हमें पता है कि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो प्लॉट करते हैं एक बार, ये हो गया x, y, x डैश, y डैश. दो पॉइंट है हमारे पास, 0,2 एंड 2,0. तो 0,2 एंड 2,0, ठीक है. अब आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पे इक्वालिटी होगा ना तो सॉलिड लाइन बनेगा, लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं दिया हुआ है तो डॉट लाइन बनेगा, ठीक है. तो यहां पे इक्वालिटी है तो एक सॉलिड लाइन बनेगा, ठीक है. तो ये कौन सा लाइन हो गया, ये बाउंड्री लाइन हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए, ओके. अब ये हमारे पास बाउंड्री लाइन आ गया. अब हमें चेक करना है किधर का रीजन शेड करेंगे, उधर का करेंगे या इधर का करेंगे. देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना आपके पास, किधर शेड करना है ये दिक्कत होता है, तो क्या करेंगे ना, x का कोफिशियंट पॉजिटिव बनाएंगे, जो कि यहां पे क्या है, पॉजिटिव है. अब x का कोफिशियंट पॉजिटिव, उसके बाद ये साइन देखेंगे, ग्रेटर देन मतलब x बड़ा होना चाहिए, और हमें पता है ना कि अगर एक्सिस होता है इसके राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है. तो यहां पे क्या है, ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड होगा, तो इधर का रीजन हम शेड कर देंगे, ठीक है, ओके. अब मान लो जैसा मैंने बताया कि x का कोफिशियंट पॉजिटिव बना लो और ये जो साइन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर लो, तो रीजन हमें मिल गया. लेकिन क्या होगा जब कुछ इक्वेशन अलग सा दिया हुआ है, वो भी केस देख लेते हैं एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना. ये तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर एक बार कंसेप्ट आ गया आपके पास तो कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लोगे आप. हाँ चलो ले लेते माइनस एक्स प्लस वाई, ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है. वैसे ही टेबल तो बनाना ही बनाना है आपको, दो पॉइंट्स चाहिए चाहिए क्योंकि लाइन हमें ड्रॉ करना है. तो x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 2, y 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा, माइनस 2. यहां तक तो सही है, 0 2 दैट मीन्स यहां पे कहीं पॉइंट होगा, और माइनस 2 0 मतलब यहां पे होगा, ग्रेट इक्वालिटी का साइन है तो यहां पे ऐसा हो गया. अब हमें उधर शेड करना है या इधर शेड करना है, ये चीज समस्या है, ये समस्या अभी. तो कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे एरिया को शेड करेंगे यहां पे. तभी मैंने क्या बताया कि आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या बनाना है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव दो तरीके से बन सकता है, या तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते ना तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. कैसे होता है देखो, जैसे मान लो कि 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो माइनस 2 और माइनस 1, अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, तो माइनस 1
है ना। इसीलिए जब नेगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जो इनइक्वालिटी का ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, या फिर एक्स को उधर लेकर चले जाओ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो क्या करते हैं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, एक्स माइनस वाई, और ये चेंज हो जाएगा ऐसा, और हो जाएगा माइनस टू। एक चीज और मैंने बताया कि आप ट्राई करो उधर ले जाने का, तो उधर अगर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स जाएगा उधर, तो ये तो ऐसा सिंबल है, जीरो है, एक्स उधर गया एक्स, माइनस वाई एंड प्लस टू, सेम चीज। अब देखो एक्स आ गया यहां पे, एक्स का कोफिशियंट भी हमने बना लिया, एक्स का कोफिशियंट क्या हो गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आ गया तो यहां पे क्या बता रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब लेस देन, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कब होता है, राइट साइड तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर अब ये चीज आपको क्लियर हो गया तब अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, यस। तो सबसे पहला हम ये लेते हैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ऑब्वियसली इसका पॉइंट लाइन बना हुआ है इसमें, तो हमें लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये यहां पे दिया हुआ है बाउंड्री लाइन, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव, ग्रेटर देन मतलब राइट साइड, तो ये है तो राइट साइड, चलो इधर सेट करेंगे, तो ये रीजन में आ रहा है, मतलब ये लाइन तो होगा, ये जो कॉन्स्टेंट है ये होगा। अब इसमें चेक करें तो इसका लाइन कौन सा है, देखो आप x प्लस टू वाई ये रहा, लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब x लेस देन होना चाहिए, कोफिशिएंट पॉजिटिव लेस होना चाहिए, दैट मीन्स इधर, ओके ये भी आ रहा है रीजन में, ये भी सही है। x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सब में कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, ओके सो x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये रहा लाइन, ग्रेटर देन यानी इस केस में क्या हो जाएगा, इधर सेट हो जाएगा, और अगर इधर सेट हो जा रहा है तो इस रीजन को नहीं बता पा रहा है, इस रीजन में नहीं जा पा रहा है ना, दैट मीन्स यही वाला जो कॉन्स्टेंट है वो नहीं होगा। अगर इसको चेक करोगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक्स और लेस देन, तो एक्स और लेस देन मतलब इधर आएगा, तो ये तो आ गया, दैट मीन्स ये सही, ये सही, ये सही, यही वाला कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा कॉन्स्टेंट नहीं है, है ना, यही तो बताना था, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप एंड बी इज इक्वल टू 3j कैप प्लस 4k कैप, देन वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अच्छा तो ए का कंपोनेंट निकालना है अलोंग बी, सो एक चीज आप ध्यान रखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, जो भी वेक्टर दिया हुआ है ए डॉट बी, इसके बाद डिवाइड कर दो, किसके अलोंग निकालना है बी के, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, और किसके अलोंग निकाल रहे हैं बी के, तो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाता है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बस यही हो गया आंसर आपका, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी में क्या होता है, आई का कोफिशियंट आई से प्लस जे का कोफिशियंट जे से प्लस के का कोफिशियंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आई का कोफिशियंट 4 है, इधर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 0 प्लस जे का कोफिशियंट 6 है और इधर जे का कोफिशियंट 3 है प्लस के का कोफिशियंट इधर है ही नहीं और इधर 4 है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वायर
प्लस कोफिशियंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ के स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो बी से। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या है, थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम चीज यही आ जाएगा, यानी जीरो स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो, 18, जीरो मतलब 18 आ जाएगा। ओके, सो 18 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16, 25, रूट 25, और ये भी रूट 25, तो 25, और जो वेक्टर है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, चेक कर लेते क्या ये सही है। यस, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास बी, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक चीज और, सॉल्व तो कर लिया हमने, क्वेश्चन में और भी पूछ सकते हैं आपसे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, राइट। तो ये चीज एक बार नोट डाउन कर लो, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे। या हाँ, जस्ट नोट डाउन यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर पूछे ना, तो ए कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यहां पे देखो कैप लगा हुआ है ना, आई कैप जे कैप के कैप मतलब वो सारे यूनिट वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2A, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, किसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ 2A का, ठीक है। चलते एडजॉइंट 2A का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें जो आप नोट डाउन कर लो, अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट तो निकालना जानते हो आप, अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हो, मान लो कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, यानी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो एन क्रॉस एन हो जाएगा, और इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या होता है ए, ठीक है, और उस पर जितना ऑर्डर है ना उतना -1, तो ऑर्डर कितना है एन -1, ये याद रखना आपको, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 2A डिटर्मिनेंट और इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3, तो इतना क्या कितना जाएगा 3 -1 दैट इज 2, ठीक है। अब 2A, यहां पे ये 2A के अंदर एक मैट्रिक्स छुपा हुआ है, राइट। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है यहां पे कि कभी भी अगर आप निकालना है के ए का डिटर्मिनेंट, के का डिटर्मिनेंट अगर आप कर देते हो के ए, तो ये गलत है। सबसे पहले चेक करना है कि ऑर्डर क्या है, अगर मान लो इसका ऑर्डर n है तो क्या हो जाएगा के टू द पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज अगर कर देते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, तो यहां पे a का ऑर्डर कितना है 3 है, तो क्या जाता है k टू द पावर n, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3, ठीक है। उसके बाद और पूरे होल पे क्या है 2, ये तो दे ही रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 टू द पावर है, तो 2 टू द पावर 3, 2 जा 6 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 टू द पावर 6
और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ आपको टू माइनस टू, तो माइनस टू टू द पावर टू, माइनस पे स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बना देगा राइट, तो दो टू टू द पावर सिक्स एंड टू टू द पावर टू ओवरऑल, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी आपको पता है ना, ए एम इंटू ए टू द पावर एन ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो ऑप्शन डी समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है ना, अक्सर आपसे ये वाली चीजें गलती हो जाती हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 प्रॉब्लम्स। ओके सो क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का है, देखते कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन ऑफ गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स, यानी तीन स्टूडेंट्स को एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4, मतलब सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी यानी चांस जो है दिया हुआ 1/2 है एक के द्वारा, एक के द्वारा 1/3 है, एक के द्वारा 1/4 है राइट। इफ द इवेंट्स ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि ए अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो बी नहीं सॉल्व कर पाएगा, अगर ए सॉल्व कर दिया तब बी सॉल्व करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। ओके ओके दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे वो ये स्टूडेंट सॉल्व करे या ये करे या ये करे, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो सॉल्व करने का दिया हुआ है, तो स्टूडेंट ले लेते हैं, तीन स्टूडेंट लेते हैं, तीन तो दिया हुआ है ना, तो मान लेते हैं ए के द्वारा सॉल्व करने का कितना दिया हुआ 1/2, एक स्टूडेंट बी है उसके द्वारा कितना दिया हुआ है 1/3 और एक स्टूडेंट सी है इसके द्वारा 1/4। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो कोई भी करे, ए करे बी करे सी करे, दैट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है कि या तो ए सॉल्व कर दे या बी सॉल्व कर दे या सी सॉल्व कर दे, इसमें से कोई भी सॉल्व कर दे हो गया। ओके तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहां पे एक चीज और बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी में क्या है, या तो हो रहा है नहीं तो नहीं हो रहा, या तो यस नहीं तो नो, दैट मींस अगर मान लो कोई प्रोबेबिलिटी है जिसके होने की संभावना अगर P1 है राइट, और इसके ना होने का उसको कैसे रिनोट करते हैं E' या E' बार, तो दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, यानी मान लो कि एक प्लेयर है, या तो वो जीतेगा नहीं तो हारेगा, अगर जीतने का प्रोबेबिलिटी PE है तो हारने का क्या हो जाएगा PE' और दोनों का सम 1 होगा, ये क्लियर है। और एक चीज और है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच ही होता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, अगर इससे ज्यादा अगर आपका आंसर आ रहा है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी सब 1 से कम है, ठीक है। ओके अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो जो सॉल्व कर रहे हम ए से सॉल्व करा रहे हैं, इन दोनों से सॉल्व नहीं कराए, या फिर दूसरे से सॉल्व कराए बाकी दो से सॉल्व नहीं कराए, फिर तीसरे से सॉल्व हो गया और बाकी दो से नहीं हुआ, या तो वो अप्रोच है, या फिर हम ये कर देते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं जिसमें इनसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, दैट मीन्स अगर बात करें यहां पर पी ए डैश का तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2, तो क्या हो गया 1/2। इस तरह से बी यानी बी से भी क्वेश्चन मान लेते सॉल्व नहीं हो, तो सॉल्व नहीं होने का चांस क्या हो जाएगा 1 - 1/3, 2/3, ठीक है। अब पी सी, तो पी सी डैश 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। अब यहां पे हम क्या निकालिए कि जिससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो राइट यहां तक आप आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, ये चीज पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है 1 - A यूनियन B यूनियन C, आपको यह चीज ध्यान रखना है,
ये क्या हो जाएगा, पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्या है इंडिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस पी ए डैश क्या निकाल दिए हैं, वन बाई टू, टू बाई थ्री एंड थ्री बाई फोर। इसी को सॉल्व कर लो आप, आंसर मिल जाएगा क्या आ रहा है, टू से टू कट गया, थ्री से थ्री कट गया, वन माइनस वन बाई फोर, फोर माइनस वन यानी थ्री बाई फोर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसके क्या चांस है, थ्री बाई फोर। आई होप कि ये कंसेप्ट सॉल्व समझ में आ गया। क्या किए कि हम वो प्रोबेबिलिटी निकालें जिससे में उनका क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व नहीं होना मतलब किसी से ना, ना तो ए से हो, ना तो बी से हो, ना तो सी से हो, तो यही तो है वन बाई टू वन बाई थ्री। और किसी से ना हो दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। और चूंकि ये सारा क्या है इंडिपेंडेंट है, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा, पी ए डैश पी बी डैश इंटू पी सी डैश, राइट। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या फिर ना हो, दोनों का सम कितना होगा, वन, वही तो यहां पे अप्लाई किए हैं, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy इज इक्वल टू जीरो गिवन है x y ग्रेटर देन जीरो इज ऑफ द फॉर्म, वहां पे c कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो माइंड में जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल, क्या वेरिएबल अलग अलग हो रहा है, देखते हैं करके, सबसे पहले तो वही माइंड में आता है ना, क्योंकि कोई सा भी मेथड से सॉल्व करें फाइनली हमें करना वही है। तो y dx माइनस x dy इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं x dy बराबर y dx, है ना, एक को उधर ले जाएंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अगर आप इसको अब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट आएगा एल एन सी ले लेते हैं, राइट। अब बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बी, तो क्या जाएगा एल एन सी एक्स। अब देखो यहां से क्या मिल जाएगा, वाई बराबर सी एक्स, ऑप्शन तो मिल गया, मिल गया ना। इसको जनरली हम लोग ऐसे करते हैं कि क्या हो जाएगा, एल एन वाई माइनस एल एन सी एक्स बराबर जीरो। अब एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी, तो क्या जाएगा एल एन वाई बाई सी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी तो पता है कि एल एन वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो ये क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो यहां से वाई बराबर सी एक्स होता ऐसे है, बट यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो था एक अप्रोच, बट एक और अप्रोच मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें इतना टाइम तो नहीं लगने वाला है, देखते हैं वो कैसे बनाएंगे, ओके। तो आपके कुछ, आपको कुछ चीजें पता होंगी, जैसे मैं नोट डाउन करा देता हूं, डी एक्स वाई अगर फाइंड आउट करते हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। वैसे ही अगर डी एक्स बाई वाई करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लो ये होता ऐसा वाई बाई एक्स होता, तो सेम चीज लिखते थे, क्या हो जाता एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये अप्लाई करके सॉल्व कर सकते इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आई होप कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब देखो y dx माइनस x dy कहीं है क्या, ये रहा y dx माइनस x dy,
ये चीज। बट इसमें वाई स्क्वायर नहीं है तो ला दो, वाई स्क्वायर नहीं है तो ला दो वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई वाई है ना, और इज इक्वल टू जीरो। डी एक्स वाई जीरो आना इसका मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट रहा होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। मतलब एक्स बाई वाई क्या रहा होगा, कोई कांस्टेंट रहा होगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं वाई बराबर वन बाई के सी, सॉरी एक्स, और वन बाई के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं वाई बराबर वन बाई के को मान लेते हैं सी एक्स, तो फाइनली आंसर मिल गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एंड कभी भी आपको ऐसा दिखे ना क्वेश्चन इस तरह का, तो आप ट्राई करो ये चीज अप्लाई करने का। बहुत ही सिंपल है, ये प्रोडक्ट रूल है, एक कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल आपको याद होगा ना, डी यू बाई वी, एक बार रिकॉल करा देता हूं। हाँ, आपको ध्यान होगा, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। हाँ, तो डी अगर मान लो u बाई वी है और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो क्या होता है, बी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यही चीज तो कर रहे हैं, देखो u के जगह पे x है, v के जगह पे y है, तो v इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन तो dx, फिर x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पे तो बेस्ड है ना। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू वैक्टर्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप एंड थ्री आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के आर परपेंडिकुलर। अगर दो वैक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होगा कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, क्या करते हैं, I का कोफिशियंट I से, J का कोफिशियंट J से, K का कोफिशियंट K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और दिया हुआ है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते तो क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू लैम्डा प्लस टू इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। ये सिक्स माइनस लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड ऑब्वियसली यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, एट मिल गया, हो गया ना। वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेयर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल इज, मतलब वैसे सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। सॉल्व करते हैं। सो फाइनली एक चीज हमने बता दी आपको कि मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो होगा, दैट मीन्स यहां पे हम इक्वालिटी लगा सकते हैं, और यहां पे भी लगाएंगे तब भी सही होगी कि माइनस जीरो मतलब जीरो। ठीक है, ओके। अब अगर हम फंक्शन यहां पे देखें तो फंक्शन क्या हो रहा है, x प्लस मॉड x, तो x माइनस x हो जाएगा, कब, जब x लेस देन जीरो हो। एंड x प्लस x हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब यहां से हमें एफ एक्स बराबर क्या मिल रहा है, अब ये जीरो और ये टू एक्स, x लेस देन जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें ना, ग्राफिकल इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि वो सिंपल हो जाता है बहुत, बाकी दूसरा अप्रोच भी अभी जस्ट मैं बताऊंगा। अगर यहां से इसका ग्राफ, ये एफ एक्स मतलब क्या, y बराबर, तो y बराबर जीरो, y बराबर जीरो मतलब x एक्सिस यानी ये वाला, ये ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू टू एक्स, दैट मीन्स y, यहां पे अगर x जीरो रखेगा तो y जीरो, दैट मीन्स ये पॉइंट मिलेगा,
और अगर x1 रखते हो तो y क्या मिलेगा 2, यानी x1 रखते हो तो y क्या मिलेगा 2, ये पॉइंट। अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 0 का और ये हो गया y इज इक्वल टू 2x का, ठीक है। अब हमें इसमें चेक करना है कि कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ध्यान रखना कि कभी भी आपको ग्राफ दिया हुआ है या आप ग्राफ बनाते हो तो कहीं पे अगर कॉर्नर मिल रहा हो, कहीं पे अगर कॉर्नर पॉइंट जो कि यहां पे मिल रहा है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर कहीं पे कस्प जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, कस्प इस तरह का, तो यहां पे इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर कहीं पे ग्राफ टूटा हुआ मिल रहा है, राइट तो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस ये तीन चीज चेक करना है। तो क्या हो रहा है, ये पॉइंट जीरो है, एक्स जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहां पे डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो डिफरेंशिएबल कहां हो रहा है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो तक यूनियन, फिर जीरो से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल अप्रोच जो कि ऑप्शन सी, हाँ ठीक है। अब अगर ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो सकता है बहुत सारा यहां पे दे दिया एक्स क्यू एक्स फाइव कुछ दे देता एक्स टू दी पावर फाइव, तब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, ओके उसका भी उपाय है। क्या करेंगे कि जिसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव के लिए तो आप एल एच डी आर एच डी फाइंड आउट करोगे ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, बट ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट कर दो यहीं पे, एफ डैश एक्स अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, जीरो का तो जीरो ही रह जाएगा जब एक्स लेस देन जीरो है, और अगर यहां पर डिफरेंशिएट करते हो तो टू एक्स का क्या हो जाएगा, टू जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अब आप बताओ एल एच डी एंड आर एच डी का अगर कंसेप्ट आपको ध्यान में हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या होता है, एफ डैश जीरो माइनस, तो एफ डैश जीरो माइनस क्या रहा है यहां पे, जीरो माइनस मतलब जीरो से पीछे, तो क्या रहा है जीरो, ठीक है। और आर एच डी अगर निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स एफ डैश जीरो प्लस, मतलब जीरो से थोड़ा आगे, तो यहां पे क्या जाएगा टू। अब डिफरेंशिएबल तब होगा जब किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट पे एल एच डी और आर एच डी इक्वल आ जाए, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं है तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जीरो पे ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जीरो हमारा टर्निंग पॉइंट है ना, अगर इस फंक्शन को देखोगे तो जीरो ही तो है टर्निंग पॉइंट, उसके पहले तो लीनियर है उसके बाद लीनियर है ना, तो जो भी दिक्कत आ रहा है जीरो पे आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कंटिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो आप कहां पे चेक करोगे, जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, जहां पे ग्राफ ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। तो अगेन यहां पे क्या निकला हमारे पास कि जीरो पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जीरो पे नहीं है इसका मतलब हर जगह होगा, जीरो पर ही तो नहीं है केवल डिफरेंशिएबल। अगर देखें हम इस नंबर लाइन पे तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी केवल जीरो पर ही तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह तो है, इधर भी है इधर भी है, तो क्या जगह माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी, दैट मीन्स ऑप्शन सी। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो एंड ये भी सही मेथड है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर 1/c, 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 देन कुछ रिलेशंस गिवन है, आई मीन सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस के कितना एंगल बना रहा है, बीटा वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एंड गामा
जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वही गामा हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक रिलेशन आपको पता होगा डायरेक्शन कोसाइन में, वो क्या होता है, बस उसी पे बन जाएगा ये क्वेश्चन, वो क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, वन बाय सी वन बाय सी वन बाय सी, तो वन बाय सी स्क्वायर वन बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तीनों सेम चीज है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, थ्री बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, तो सी का वैल्यू प्लस माइनस रूट थ्री है ना, क्लियर है। यहां पे ये क्या था, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें, जैसे ये कॉस में रिलेशन है ना, आपसे पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व कर लोगे क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा सारा चला जाएगा उधर, तो ये क्या बच जाएगा, वन 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 थ्री, और उधर से एक आएगा इधर, और यही तो हमारे पास होगा जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, यानी टू हो जाएगा, तो इसका वैल्यू टू। राइट, ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया सारा एमसीक्यू 18 तक। राइट, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, एंड आई होप कि आपको ये आप जो रिवीजन कर रहे हो उसमें जरूर कुछ बूस्टअप का काम करेगा। ओके, सो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।